سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. केले लेंगे हम हसब जरूरत, मैंने यहाँ पे 6 केले लिए हैं, 1 अदद खरबूजा लेंगे, 2 सेब लेंगे, 5 अदद आरू ले लेंगे और 3 मैंगो ले लेंगे क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही मैंगो मिल रहे हैं, अभी मैंगो का सीज़न नहीं है, और 1 अनार ले लेंगे, पाइनएप्पल ले लेंगे हसब जरूरत, यहाँ पे मैंने 4-5-6 स्लाइस ले लिए हैं पाइनएप्पल के, पाउडर चीनी लेंगे 4 टेबल स्पून, दूध लेंगे 1/2 कप, क्रीम लेंगे 1 पैकेट, मैं यहाँ पे नेस्ले मिल्क पैक क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 बोल ले लेंगे, उसमें दूध डाल देंगे, पाउडर चीनी डालेंगे, आप दानेदार वाली चीनी भी डाल सकते हैं, मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स होगी, अब इसमें हम क्रीम डाल देंगे, तो मैं यहाँ पे नेस्ले मिल्क पैक क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम से हमारी क्रीमी चाट और भी ज़्यादा मज़े की हो जाएगी, अब इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स हो गया, इसे हम साइड पे कर देंगे, अब सारे फल को हम काट लेंगे, तो सबसे पहले हम सेब को काटेंगे, तो ये हमने काट लिया, अब इसे क्रीम में डाल देंगे, इसी तरह दूसरा भी काट लेंगे, अब हम काट लेंगे आरू को, तो सारे आड़ू हमने काट लिए, इसे भी हम डाल देंगे, साथ साथ मिक्स भी कर लेंगे, साइड पर रख देंगे इसे, अब हम काटेंगे मैंगो को, मैंगो के छिलके को उतार लेंगे, मैंगो का सीजन नहीं है पाकिस्तान में, तो इसलिए आपको लग रहा है कि मैंगो इतने बुरे कटे गए हैं, और अब हम केलों को छील लेंगे, अब इन्हें काट लूंगी, तो सारे केले हमने काट लिए, इसे भी हम डाल देंगे, डाल दिए, इसे हम मिक्स कर लेंगे, इसे साइड पे कर देंगे, और पाइन एप्पल को स्लाइस में काट लेंगे, इनको भी डाल देंगे, और अब हम खरबूजे को काट लेंगे, बीज निकाल लेंगे, स्लाइस में काटेंगे, पहले छिलका उतारेंगे, छिलका उतार के रखते जाएंगे, अब इसे क्यूब्स में काट लेंगे, खरबूजा हमने काट लिया, इसे भी रख देंगे, साइड पे करेंगे, और अनार को छील लेंगे, अनार को इस बोल में निकाल लेंगे, अनार डालने से पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स हो गई, और अब इस पे अनार डाल देंगे, कैसे, इस तरह, तो रेडी है हमारी क्रीमी फ्रूट चाट, अब इसे हम सर्व करेंगे, एक बोल ले लेंगे, इसमें निकालेंगे, तो तैयार है हमारी क्रीमी फ्रूट चाट, तो अगर आपको ये क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी